भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। जप तप व्रत देखते क्या हो गया तू तो? कोड़े लगाकर इन मूर्खों को शांत करो। राम ज्येष्ठ भ्राता यमदेव। ज्येष्ठ भ्राता, हम आपके अनुज अश्विनी कुमार हैं। हमारे पिता श्री के जप तप व्रत के कारण श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर हमारे पिता श्री सूर्य देव के शरीर से ही उत्पन्न किया है। ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ भेंट करने के उद्देश्य से यमलोक में प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राता श्री। ज्येष्ठ भ्राता श्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और पिता श्री सूर्य देव की आज्ञा से इस अमृत पर आपका पूर्ण अधिकार है। मन में उठते संदेह का त्याग कर आप निसंकोच इस अमृत को ग्रहण करें। इस अमृत पान का सुपरिणाम शीघ्र ही आपके सम्मुख आ जाएगा। जो इस अमृत का पान करने से मेरे मन में दया और प्रेम की भावना जागृत हो रही है। ज्येष्ठ भ्राता श्री, इस अमृत की दिव्यता से ये मृत प्राणी भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। हमें भी जीवित करें। ज्येष्ठ भ्राता श्री, हम आपकी न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपकी आज्ञा और इच्छा के बिना अमृत इन मृत प्राणियों की आत्माओं को प्राप्त नहीं हो सकता। भैया यमराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम आपसे एक निवेदन करने के इच्छुक हैं। अवश्य अवश्य अश्विनी कुमारो, कहो तुम क्या कहने के इच्छुक हो? ज्येष्ठ भ्राता श्री, आप प्राणी लोक के मोह से मोहित इन मृत प्राणियों की आत्माओं के साथ दया एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। ज्येष्ठ भ्राता श्री, जिस सत्य का ज्ञान आप इन्हें कोड़ों की मार से भयभीत करके कराना चाहते हैं, वही प्रेम के मधुर शब्दों द्वारा भी कराया जा सकता है। क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की आयु तो क्षणिक होती है, किंतु प्रेम तो आदि और अनंत है। प्रेम के मधुर शब्दों से ये दया की पात्र मृत प्राणियों की आत्माएं अनिवार्य मृत्यु की भयानक पीड़ा से मुक्त हो सकेंगी। ज्येष्ठ भ्राता, आप इन्हें जन्म मृत्यु, आत्मा परमात्मा, पाप पुण्य के रहस्य और तत्वों का ज्ञान करा सकते हैं। भ्राता श्री, इमृत प्राणियों की आत्माएं आपके दंड की नहीं, कृपा और दया की पात्र हैं। तुम दोनों का कथन पूर्ण सत्य है, किंतु हमारे कथन पर संदेह न करें। ज्येष्ठ भ्राता, यदि आप इन मृत प्राणियों की आत्माओं से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो प्राणी लोक में सत्कर्मों का उदय होगा। यमलोक के व्यवहार की सुगंध से प्राणी लोक का प्राणी सत्कर्मों और जप तप व्रत की ओर प्रेरित होंगे। महाराज, इन मृत आत्माओं ने दुष्कर्म कम सत्कर्म अधिक किए। व्रत आत्माओं संसार की न्याय व्यवस्था के कारण हमें शरीर से प्राणों को निकालने का कठोर कार्य करना पड़ता है, किंतु आप दुखी ना हो। पूर्व कर्मों के अनुसार आपको यहाँ न्याय प्राप्त होगा। यमराज जी की जय हो। आपने जो सत्कर्म किए हैं आपको उसके सुख की प्राप्ति होगी, और जो दुष्कर्म किए हैं उसकी पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, जो भविष्य के जन्मों में आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी।
यमराज जी की जय हो। अनुज अश्विनी कुमारो, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? ज्येष्ठ भ्राता श्री, यदि सत्य ही आप हम पर प्रसन्न हैं, तो शीघ्र ही हमारी बहन देवी यमुना को अपने दर्शनों से धन्य करें। हाँ भ्राता श्री, बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। बहन यमुना का संदेश सुनाकर तुम दोनों ने मेरे हृदय को आनंद से और भर दिया है। तुम दोनों का कल्याण हो। प्रणाम। चित्रगुप्त जी। आज्ञा स्वामी। मेरे लौटने तक यम नियमों का नियम पूर्वक पालन कीजिएगा। मैं बहन यमुना से भेंट कर शीघ्र ही हम लोग लौटूंगा। जो आज्ञा स्वामी। मैं यम भैया से मिलने की आतुर हूँ। क्या अश्विनी कुमारों ने यम भैया तक मेरा संदेश नहीं पहुँचाया? क्या अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्ति यम लोक तक पहुँचने में सक्षम नहीं हुई? क्या भैया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने की इच्छुक नहीं है? बहन यमुना, उद्विग्न ना हो, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं यमलोक की एक समस्या सुलझाकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप लौट कर आऊंगा। विचलित ना हो बहन यमुना, यम भैया शीघ्र ही आपके समीप आएंगे। परंतु वे आकर लौट क्यों गए? बहन यमुना, आपसे सत्य अज्ञात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरण करते करते यम भैया का स्वभाव बहुत क्रूर हो गया था। श्री हरि कृपा से प्राप्त दिव्य अमृत का पान करवाकर हमने उनके हृदय में दया और करुणा को जागृत कर दिया है। बहन, अब जब यमदूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं तो यमलोक के स्वामी यमराज मधुर वचन सुनाकर यमदूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं। इसी कारण उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल पाता, किंतु वे आपसे भेंट करने शीघ्र पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम। अट्टहास का स्वर बिना बात को संसार में गूंजता रहता है, वो आज इस प्रकार निराश, शांत और उदास क्यों है? नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु के इच्छा संसार में शनि देव के पनौती के नाम से प्रसिद्ध धैया और साढ़े साथी, तुम्हारी उदासी का रहस्य जानने को नारद का जिज्ञासु मन विचलित हो रहा है। शनिदेव के अनुचरों, अपनी उदासी का कारण तो मुझे बताओ। शनि भक्तों, क्या तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। ढैया साढ़े साथी, मेरी बात का उत्तर तो दो। भक्तराज नारद जी, शनि देव की पनौती के रूप में विख्यात ढैया और साढ़े साथी को मौन देखकर आप चकित न हो। नारायण नारायण। हाँ नारद जी, अब इन दोनों की वाणी सदा सदा के लिए मौन हो गई है। अर्थात? अर्थात ये कि हमारी इच्छा मात्र से ढैया और साढ़े साथी एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने ऐसी अनिच्छापूर्ण इच्छा की ही क्यों?
नारायण नारायण। आप तो इस सत्य से परिचित हैं नारद जी कि संसार में हम भाग्य विधाता शनिदेव प्राणियों के दंड का निर्धारण करते हैं, इसलिए हमने भी निर्णय ले लिया कि प्राणियों के दंड के निर्धारण में हम हिंसा क्रूरता का सहयोग कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं नारद जी। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने आया ये महान परिवर्तन मेरे आश्चर्य की समस्त सीमाओं को लांघने लगा है। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, क्या बात बात पर भयानक अट्टहास करने के स्थान पर आपने सदा इसी प्रकार मुस्कुराते रहने का प्रण कर लिया है? क्या आपकी विध्वंसक विनाशक भयानक और मारक कुदृष्टि से संसार का कोई भी प्राणी आहत नहीं होगा? नारद जी, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। आपको भली भांति ज्ञात है कि हमारे छोटे भाई दोनों अश्विनी कुमारों ने हमें अमृत पान करवा के हमारा कायाकल्प कर दिया। नारायण नारायण। कायाकल्प अर्थात? हाँ नारद जी, यदि अब हम किसी पर क्रोधित होते हैं अथवा उसके दुष्कर्मों से उत्तेजित होकर कुदृष्टि डालने का प्रयास भी करते हैं नारद जी, तो हमें अपने भाइयों के प्रेम पूर्ण स्वर सुनाई देते हैं। स्वर? कैसे स्वर भाग्य विधाता शनिदेव? देवर्षि, इस संसार के समस्त राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति भा ईर्षा को आश्य प्रदान करने वाले विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंद गए हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, किसी प्राणी के दुष्कर्मों से क्रोधित होकर हम जब कुदृष्टि डालने का विचार भी करते हैं तो हमें अपने भाइयों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं कि इन पर दया करें भ्राता श्री, इन पर दया करें, इन्हें दंडित ना करें, इनका मार्गदर्शन करें। अभी आप ही बताइए नारद जी कि अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंधे हम इन प्राणियों को दंडित कैसे कर सकते हैं? प्रेम रस की मिठास ऐसी ही होती है भाग्य विधाता, जो एक बार इसका स्वाद चख लेता है वो जीवन भर इसकी मिठास से आनंदित रहता है। किंतु क्या भक्तराज? नारायण नारायण। शनिदेव, सृष्टि के विधान के अनुसार आप दंडनायक हैं। प्राणियों के दुष्कर्मों का दंड देना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर में बंधकर आपने दंड योग प्राणियों को भी दंड न देने का निर्णय कर लिया है? देवर्षि, दंड के पात्र को हम अवश्य दंडित करेंगे, किंतु पहले की भांति पीड़ित और प्रताड़ित करके नहीं। नारायण नारायण। अर्थात फिर किस प्रकार दंडित करेंगे आप? देवर्षि, जो हमारी भक्ति हमारा जप तप व्रत करेगा हम उसे संसार का सर्वोत्तम सुख प्रदान करेंगे, किंतु किसी अन्य की पूजा आराधना करने वाले से हम ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं रखेंगे। इससे ना ही केवल हमारे भक्तों को हमारे भक्ति के शक्ति का परिचय प्राप्त होगा, अपितु वे हमारे भक्ति में सदा सदा के लिए लीन हो जाएंगे। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, क्या इसी कारण आपकी पनौती के रूप में विख्यात धैया और साढ़े साथी की आपको आवश्यकता नहीं? क्या इसी कारण आपने इन्हें वाणीहीन कर दिया है? धन्य आप नारद जी, धन्य है। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते, आपका कल्याण हो। निराश न हो ढैया और साढ़े साथी, सृष्टि चक्र में कभी भी एक सा समय नहीं रहता,
और समय चक्र के परिवर्तन के साथ आपको अपने स्वामी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। नारायण नारायण। अब भैया यमदेव की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, उन्हें अपने कार्य से कभी अवकाश नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भैया यमदेव की अब मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अपनी बहन के प्रति उनके प्रेम में दिखावा ही शेष है। अब मुझे अपनी जलधारा में विलीन हो जाना चाहिए। अपने भाई की व्यस्तता के कारण तुष्ट ना हो बहन, हमें क्षमा कर दो। कर्म के बिना जीवन की कोई गति नहीं है बहन, किंतु अब मैं तुम्हारी इच्छा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी हो बहन? आपकी कृपा से मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है भैया। मुझे ये जानकर हार्दिक आनंद हुआ कि हमारे छोटे भाइयों अश्विनी कुमारों ने आपकी क्रूरता को समाप्त कर दिया है। वास्तव में ये ज्ञात करने के पहले मैं सदा यही सोचकर दुखी रहती थी कि ये प्राणियों के प्राण हरण करने का कैसा क्रूर कर्म आपने अपना लिया है। मैं तो यही सोच रही थी भैया कि अश्विनी कुमारों के अमृत पान के पश्चात भी आपके हृदय की निर्ममता का अंत नहीं हुआ। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण ही आपके हृदय में आपकी बहन यमुना की कोई स्मृति शेष नहीं बची। बहन यमुना, जो तुम कह रही हो वो अमृत पान के पूर्व परम सत्य था, परंतु अब घोर असत्य है। कहो बहन, इतने दिनों तक तुम्हारे समीप ना आने के प्रायश्चित स्वरूप हम तुम्हें क्या प्रदान करें? अपनी इच्छा निसंकोच कहो बहन, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। भैया, यदि आप सत्य ही मेरी इच्छा पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट भोजन आपको कराना चाहूंगी। ज्ञात नहीं भैया, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप ठीक से भोजन कर पाते हो अथवा नहीं। सत्य कहिए भैया, आपने अब तक विवाह किया या नहीं? आपको प्रेम से खिलाने वाला कोई है अथवा नहीं? बहन यमुना, इस विषय में निर्णय मुझे नहीं, विधाता को करना है। आपके विषय में विधाता के इस निर्णय की मुझे भी प्रतीक्षा है। तो चले भैया, यमुना के जल महल में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। अवश्य।